लिम्रा न्यूज़, हम दिखाते हैं सच। देश प्रदेश की सभी सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए लिम्रा न्यूज़। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज एक मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद एक मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर पक्का नहीं मालूम। आइडिया यह है कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री, जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। अदानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है, जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं, जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अदानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ, तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जवाब, जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये मेन मेन बात है।